हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप ठंडी के मौसम में अपनी सारी तैयारी किए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड की एग्जाम हमारे बहुत नजदीक है और सारी चीजों को हमें फास्ट ट्रैक से रिवीजन करना है। तो दोस्तों, क्लास 12 की केमिस्ट्री को हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करवाएंगे, आपको जल्द से जल्द सारे मैटर को क्लियर करवाएंगे। जैसे कि रिवीजन की पद्धति में हमने जो है पहला इसमें चैप्टर को जो है स्टार्ट कर दिया है फिर से, ठीक है, जिसे पहले भी पढ़ा चुके हैं और फिर से जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है विलियन। क्या नाम है दोस्तों? विलियन। तो आप लोग जो है कॉपी पेन को लेंगे और आशा करते हैं कि कॉपी पेन के साथ नोट करेंगे। आपके जो है नंबर जितने भी विलियन से आते हैं, सारे नंबर आपके जो है क्या हो रहेंगे, क्लियर रहेंगे। तो सारे नंबर क्लियर रहेंगे, आप जो है अपने पेपर में अच्छे से मार्क्स कर सकेंगे, अच्छे से नंबर को जो है अटेंड कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, और यहां से आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों। तो बिलियन को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब बिलियन, ठीक है। तो ये एक चैप्टर है हमारा, आपने कभी भी देखा होगा कि हमारे बिलियन होते हैं, बिलियन को कैसे हमें पढ़ना है, क्या करना है। तो आसान भाषा में सारी चिंताओं को छोड़ के हमें एक एक चीज को क्लियर करना है। बिलियन क्या होते हैं दोस्तों? तो बिलियन को अगर आपको बता दिया जाए तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला दें। क्या करें? पदार्थ को आपस में मिला दें, मिला दें, तो उसे विलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ कोई हम जो है बीकर लिए हैं दोस्तों, और इस बीकर में जो है हम क्या कर दिए, पानी भर दिए। पानी को हम जो है जल या H2O बोलते हैं दोस्तों, और इसी पानी में हम कोई दूसरा चीज मिला दें, ठीक है। क्या मिला दें दोस्तों? तो आपको पसंद है चीनी, हम चीनी मिला देंगे। क्या मिला देंगे? चीनी मिला देंगे। कहाँ पे मिला देंगे? पानी में, ठीक है। और इसमें गर्मी आने वाला है, शरबत बनाना है हमें, ठीक है। तो चीनी के साथ साथ हम जो है इसी में क्या मिला देंगे? नींबू मिला देंगे, ठीक है। क्या मिला देंगे? नींबू मिला देंगे, और भी जो हमें पसंद रहेगा नमक भी मिला देंगे, ठीक है। बीपी हाई लो होगा तो नमक भी NaCl मिला देंगे, ठीक है। तो कई सारे हम विलयन इसमें मिला दे रहे हैं, तो कई सारे इस पदार्थों के मिश्रण को दोस्तों हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आसान सा, कितना आसान था कि हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। किसी भी घोल में जो है हम जो है चीनी मिला दें, नमक मिला दें, ठीक है, और अपने साथ में नींबू मिला दें, और हमारा जो है शरबत तैयार हो गया। उस शरबत अब हमारा क्या कहलाने लगा? विलयन कहलाने लगा, ठीक है। तो अब यहां से थोड़ा सा शुरू होती है हमारी पॉइंट वाले की, कि हमने जो मिलाया और जिसमें मिलाया, ठीक है, दो चीज ना, एक ले जाकर मिलाए और एक पहले से रखा था जिसमें मिला, तो ये दो चीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि जो हमारे विलयन होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये दो से अधिक चीजों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तो जिसकी मात्रा अधिक रहेगी, क्या रहेगा? जिसकी मात्रा अधिक रहेगी उसे हम जो है विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे विलायक बोलेंगे। और जिसकी मात्रा कम रहेगी, क्या रहेगा? मात्रा कम रहेगी, मात्रा कम रहेगी, उसे विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। कितना आसान। मात्रा ज्यादा तो मतलब इसमें पानी की मात्रा ज्यादा, तो पानी हमारा क्या हो गया? विलायक। चीनी, नींबू और नमक की मात्रा कम, तो ये हमारे क्या हो गए? विलेय हो गए। तो जिसकी मात्रा कम वो हमारे क्या हो गए? विलेय हो गए, और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक हो गए। तो आपको अच्छे से सारा चीज समझ में आ रहा है ना? दिमाग को सेट कर लो और जो है 100 में 100 मार्क्स करो, ठीक है। 30 स्कूल वाले हम लोग दे देंगे और जो है 70 आप लोग लाइएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे ये हो गया कि विलयन क्या होते हैं? जिसकी मात्रा कम वो हमारे विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। कितना आसान था, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियो को हम जो है यहाँ पे आपके सामने भेजेंगे, जिससे आप जल्दी जल्दी से कवर कर लीजिए। जल्दी जल्दी से मतलब ठंडी के मौसम में, रजाई में लिख के सारी चीज क्लियर करिए। तो विलयन को अब यहां से हम जानेंगे कि विलेय क्या होते हैं हमारे, विलायक क्या होते हैं। किताबी भाषा वाला देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि विलयन में जो विलेय होते हैं, विलयन में जो विलेय होते हैं उसे जो है जो घुल जाते हैं उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें घुलते हैं उसे विलायक कहते हैं। ये कठिन है कि जिसमें घुल रहा है उसे विलायक, और जो जाके घुल रहा है उसे विलेय। इससे अच्छा है तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो जिसकी मात्रा कम
वो मिले और जिसकी मात्रा अधिक वो मिलाए। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा कि हमारे जो है 100 ग्राम जल में ठीक है 15 ग्राम चीनी मिलाएगा, क्या मिलाएगा, चीनी मिलाएगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि आपके विलेय कौन से हैं, तो 100 ग्राम ये ज्यादा है तो ये हमारा विलायक हो गया, क्या हो गया, ये विलायक हो गया। इसकी मात्रा कम हो गई तो ये हमारे क्या हो गए, विलेय हो गए। ठीक है, कितना आसान सा, छोटे छोटे टॉपिक को आप क्लियर कर रहे हैं, आपके दिमाग जो है तेज होता जा रहा है। तो यहाँ पे एक टॉपिक और क्लियर करेंगे, हमारे सांद्र विलयन क्या होते हैं दोस्तों, टेन आपके लिए बदल दे रहे हैं सब, सांद्र विलयन सारा चीज हिंदी में मैटर दे रहे हैं। सांद्र विलयन क्या होता है, हेडिंग लगा के वहां देख लेंगे। तो सांद्र विलयन क्या होता है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा हो, विलेय की मात्रा ज्यादा हो, खूब घोले रही जोने में, ठीक है, तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे एक चीनी लिए, चीनी हमने लिया अलग से, और पानी लिया, और पानी में चीनी खूब मिला दी, इतना मिला दिया खूब मीठ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, खूब मीठ हो गया, इतना मीठा हो गया कि घर वाले एकदम पीते ही ये शरबत अच्छा नहीं है, खूब मीठा है, इसमें और पानी मिलाओ, मतलब खूब गाढ़ा बना दें उसे, जो खूब गाढ़ा रहेगा उसे हम कहेंगे सांद्र विलयन, क्या कहेंगे, सांद्र विलयन, या उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन। जो गाढ़ा होता है, गाढ़ा आप लोग जानते हैं, देहात के लोग हैं वो जानते हैं कि खूब गाढ़ा सा है, ठीक है, गाढ़ा मतलब चाशनी बन जाए, तो उसे हम बोलेंगे सांद्र विलयन। अब इसी विलयन में जब हम और लाके पानी मिला देंगे, ठीक है, तब जब हम पानी मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा तनु विलयन दोस्तों, क्या बन जाएगा, तनु विलयन, ठीक है, क्या बन जाएगा, तनु विलयन। इसे बोलते हैं डायलूट सोल्यूशन, डायलूट सोल्यूशन, कम समय में कम पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कॉन्सेंट्रेट को CONC लिख देंगे, कॉन्सेंट्रेट पढ़ लिया जाएगा, डायलूट को DIL लिख देंगे, डायलूट पढ़ लिया जाएगा, तो सारा चीज जो है हो जाएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों तो यहां से हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तनु विलयन यहां लिख देंगे, तनु विलयन। तो तनु विलयन क्या होते हैं, जो हमारे हल्के हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, वो तनु विलयन हो जाएंगे, मतलब हम उसमें पानी मिला दिए, अब ये जो गाढ़ा था, ये गाढ़ापन उसका क्या हो गया, हल्का हो गया, कम मीठा हो गया, अब वो क्या हो गया, तनु हो गया, हल्का हो गया, हल्का हो गया मतलब तनु विलयन हो गया। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों मोल प्रभाज, क्या देखेंगे, मोल प्रभाज। तो छोटा छोटा वीडियो आपको दे रहे हैं जिससे आप सारा चीज क्लियर कर सके, मोल प्रभाज एक ही दिन में सारा चीज आप क्लियर करेंगे, हम तो एक ही दिन में वीडियो बना के दे देंगे, अब देखते हैं कितना आप लोग कवर करते हैं।